अस्सलाम वालेकुम। भारत ब्लॉग में आप सबका इस्तकबाल है। और देखिए, आज हम छोला बनाने जा रहे हैं, तो इसमें क्या क्या चाहिए। चना है, काबुली चना जो देख रहे हैं। आलू डाले हमने दो। अब इसके अंदर हम इसका रंग बदलने के लिए हम चाय पत्ती का पानी डालेंगे। अब हम इसको गैस की तरफ चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए, हम इसको गैस की तरफ चल रहे हैं। अब हम इसमें क्या क्या डालेंगे। नमक दे दो, नमक दे दो, नमक है। नमक डालें, मसाला। अब हम इसमें कुछ नहीं डालेंगे। ये चना का चाय पत्ती का पानी और नमक डाल के हम इसको उबाल लेंगे। देखिए, ये छोला के लिए हमने दो टमाटर लिए, ये लहसुन है, और ये 2 इंच अदरक, 2 प्याज और ये 4 मिर्ची। ये हम अब चल रहे हैं, इसको हम भूनेंगे। तेल डाल के कढ़ाई में हम भूनेंगे इसको। तेल डाल के बस अब इसी के अंदर तेल लाल हो गया। अब हमें जितना काटे हैं सब इसमें डाल देंगे साथ में। देखिए, अब ये पीसने के लिए रेडी हो गए हैं। अब इसको ठंडा करके इसको हम पीस लेंगे। देखो, इस तरह हमको थोड़ा सा हल्का सा भून लेंगे। उसके बाद तेल डाल लिए। तेल ज़्यादा नहीं चाहिए। तेल हमारा लाल हो गया। अब हम इसमें पत्ते डाल दिए, तेज पत्ता। अब हम इसमें 1 प्याज चौथी ये छोटा वो डाल दिए। पोस्ट कर दिए। देखिए, अब हम इसमें थोड़ा कश्मीरी मिर्ची डाल रहे हैं। अब हम इसमें मसाला डाल रहे हैं जो पीसे थे। अब हम इसको धो कर ले लेंगे।
थोड़ा हम धो के बर्तन ले लेंगे, जार को उसमें लगा रहता है। थोड़ी हल्दी, यह है चाट मसाला, थोड़ी हमें लग रहा है थोड़ा हमें लग रहा है कि कलर कम है, तो मैं थोड़ा और डाली कश्मीरी मिर्ची। अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे फ्लेवर के लिए। हम नमक डाल रहे हैं क्योंकि हमने चना में भी नमक डाली है, तो इसलिए हम अब इसमें थोड़ा नमक डाल रहे हैं, चख के डालूंगी बाद में। देखिए मसाला पक गया, इसके अंदर हम अभी आलू जो है जो हम रखे थे उबाल के, ये हम उसमें डाल रहे हैं। अब हम जो उबाल के रखे चना काबुली ये डाल रहे हैं। अब हमें इसमें थोड़ा सा बेसन भून के रखे थे, बहुत ज़रा सा, अब हम इसमें ये डाल दूँ, इससे उसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी और उसके फ्लेवर में बहुत अच्छा खुशबू आएगा और लजीज भी उतना ही होगा। गाइस अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी, रेसिपी अच्छी लगी, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। इसी तरह आप लोग रेसिपी पसंद करेंगे तो हम दूसरी वीडियो और हौसले के साथ डालूंगी। अब थोड़ा हम पास 2-3 मिनट हम ढक देंगे इसको। ये सब बना हुआ पका हुआ है, थोड़ा सा डाल के देखिएगा। इस अब हमें जैसा चाहिए छोले के लिए, थोड़ा सा हमें चाहिए बस। अब हमारा छोला हमें इतना ही चाहिए थिकनेस। अब हमारा छोला 2 मिनट में बन के तैयार हो जाएगा। अब हम एक बार 2 मिनट के लिए और ढक देते। देखिए अब हमारा छोला एकदम रेडी हो गया, सारा काम इसका फिनिश हो गया। अब हमारा सर्व करने के लिए छोला तैयार है। वाव, हमारा छोला भटूरा बन के तैयार हो गया। आए हमारे साथ नाश्ता करने सुबह का। अब हम दूसरे वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।